हाँ जी, ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए। इम्पॉर्टेंट मुझे ये टॉपिक कराना था। लास्ट वाले जितने टॉपिक्स थे आपने देखे होंगे अच्छे से, और उन टॉपिक के अंदर क्या था, एडजस्टमेंट एडवांस को कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हमने उसमें कंफर्म करके देखा था। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 4, ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दूंगा, जिसके पास बुक नहीं है, बाकी जिनके पास बुक है वो तो देखेंगे ही। कहता है गीता लिमिटेड इशू 60,000 शेयर 10 रुपीज ईच पेबल एज एंडर। क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि कंपनी है एक गीता लिमिटेड, इस कंपनी ने इशूड किए हैं शेयर, और इशूड कितने शेयर किए हैं जी, इशूड किए हैं इसने 6 लाख इक्विटी शेयर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और 10 रुपये का एक है, 10 रुपीज का ईच कहता है, तो यानी 10 रुपये का एक शेयर है। आगे कहता है 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। यहाँ कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की भी एंट्री मैं बता दूंगा। वैसे क्वेश्चन में डिमांडिंग नहीं है, लेकिन मैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस निकालना भी सिखाऊंगा, इसलिए इन क्वेश्चन को ना आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, 3 ऑन एप्लीकेशन, इसके आगे डेट भी है, January 1st, मैं लिख देता हूँ जैन में मांगा गया था ये। इसके बाद मार्च में अलॉटमेंट का मांगा गया, जो कि अमाउंट है हमारा अगेन 3, ये मार्च में। इसके बाद देखा जाए मार्च के बाद, तो जून में मांगा गया फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल है हमारा वो जून में मांगा गया, जून में कितने, 2 रुपये। इसके बाद आगे देखा जाए हमारा, तो आगे हमारा है 2 रुपये फाइनल कॉल नवंबर में, 2 रुपये फाइनल कॉल, और ये नवंबर में है, ये कहाँ पे हमारा, नवंबर में, ठीक है। क्वेश्चन में आगे में कंटिन्यू में क्या कहता है, एप्लीकेशन वर रिसीव 10 लाख, और एप्लीकेशन जो रिसीव किया कंपनी ने वो किया 10 लाख, एज इट इज मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ मैं अभी। और आगे कहता है अप्लाई और अलॉटेड का कुछ कैटेगरी दिया इसने, कहता है जी अप्लाई और अलॉटेड। कहता है जिसने मांगे 5,20,000 शेयर, उसको हमने फुल दे दिया, फुल का मतलब है उसको मिले 5,20। आगे कहता है जिसने मांगे 360, उसको हमने ओनली 80,000 शेयर दिए। जिसने मांगे आपके 1,20,000, उसको मैंने कोई भी शेयर नहीं दिया है। एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज टू अलॉटमेंट सब्सिक्यूंट कॉल ऑथराइज बाय द आर्टिकल एसोसिएशन, और आपको जर्नल एंट्री करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि कई बार आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली कह देता है क्वेश्चन में कि जितने भी एक्सेस हमारे एप्लीकेशन के बाद पैसा बचेगा उसको एडजस्ट करिए। कई बार नहीं कहता एडजस्ट करने, तो आपको रिफंड करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखा जाए ना, तो इस कैटेगरी में कोई आपका ऐसा एक्टिविटी नहीं दिख रहा जो कि एबनॉर्मल हो। भाई 5,20 मांगे, 5,20 मिल गए। इस कैटेगरी के अंदर मुझे जो मेन चीज़ डिफरेंट थोड़ा बनाता है इस कैटेगरी को, क्या 360 आपने शेयर्स मांगे थे, 360, और आपको मिला सिर्फ कितने, 80,000। यानी आपने मांगे 360 और आपको मिला 80, यानी मांगे बहुत ह्यूज नंबर आपने। आपने पैसे मुझे दिए होंगे 3,60,000 इंटू में 3 के हिसाब से, करीब 10 लाख से ऊपर मुझे और आपने अमाउंट दिया, लेकिन आपको मैंने सिर्फ 2,40,000 रुपये का शेयर दे दिया। यानी आपका पैसा इतना एडवांस होगा ना कि वो अलॉटमेंट पे भी होगा और अलॉटमेंट से भी आगे जा सकता है, यानी यहाँ पे भी हो सकता है, और मे बी पॉसिबल हो कि फाइनल कॉल के तक भी चला जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि इसका पैसा सारा हम एडजस्ट कर लेना तब भी बच सकता है। इसका एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं कैसे। आप ध्यान से अगर देखो ना, तो यहाँ से 80,000 अगर इसको शेयर मिले हैं, तो इसे मैक्सिमम कितना मांग सकता हूँ ये बताइए। अगर इसको मिला 80,000, आपको मिला 80,000 शेयर, मैं मैक्सिमम आपसे कितना मांग सकता हूँ सारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 8 लाख मैक्सिमम कितना मांग सकता हूँ मैं। जब आपको पता है मैक्सिमम 8 लाख मांग सकते हैं, एप्लीकेशन पे इसने दिए कितने, 360 इंटू में 3, तो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो 360 इंटू में 3 10,80,000 आपने दिए, 10,80,000, और आपसे मैं मैक्सिमम मांग सकता हूं कितना, 8 लाख। इट मीन्स क्लियरली है कि आपने सारे पैसे तो दिए ही दिए,
साथ के साथ कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं जो मैं रख नहीं सकता, आपको वापस ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, आपको वापस भी करना पड़ेगा। तो इसका वर्किंग नोट भी कर लेंगे। इस वाले का रिजेक्टेड हो गया। पहले मैं एप्लीकेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो एप्लीकेशन की एंट्री अगर हम करें यहाँ पे, तो पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, अगर गैप बहुत ज़्यादा हो, जैसे इस क्वेश्चन के बीच में गैप है, तो आपको कैलकुलेशन पूरी करनी है, जैसे मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। टू शेयर एप्लीकेशन या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये आ जाएगा 1,80,000। सर 1,80,000 कैसे आया, इसकी कैलकुलेशन मैं साइड में दिखाता जाता हूँ ताकि आपको ठीक रहे। साइड में कैलकुलेशन दिखाते हैं कैसे, जैसे कि 6 लाख इंटू में 3, तो आएगा हमारे पास अमाउंट 18 लाख रुपए। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 18, वो मैंने गलती से इसका अमाउंट ले लिया था। ओहो 10 से है, ठीक है, 10 से आएगा आपका, तो ये आएगा जी 30 लाख। ये कितने आने वाले हैं, 30 लाख, मैंने इशू से कर दिया था, जबकि एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ, 10 लाख। तो आप सभी ने मिलके 3 रुपए के हिसाब से दिए मुझे 30 लाख। अगली एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन जी। अब शेयर एप्लीकेशन अगर मैं करूं तो 30 लाख ही रहने वाला है डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो मैं आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दूंगा, हमेशा आपको याद रखना है जितने इशू किए हैं उसी से दे सकते हैं। तो इशूड की बात बताओ, कितने इशूड किए जी, 6 लाख। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, यानी मैं 18 लाख रुपए का ही आपको कैपिटल दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता। पहली बात, आगे बात करते हैं मुद्दे की। इसको पैसे वापसी कर दिए हैं, इसको पैसे वापसी किए हैं, और इसमें से भी कुछ वापसी का अंदाजा है। तो मैं पहले इस कैटेगरी का एक कैलकुलेशन बना लेता हूँ, मोटा मोटी टेंटेटिव कैलकुलेशन क्या है। टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव बाय कैटेगरी नंबर, कैटेगरी बोलते हैं इसको बेसिकली, जैसे 1, 2, 3 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 2 यानी इसकी बात कर रहा हूँ। तो टोटल अमाउंट कैटेगरी नंबर 2 की बात करें तो 360 है ना, आप क्या निकालोगे, 360 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा क्या हमारा, 1,80,000। ये आ गया 1,80,000, ये आ गया 1,80,000। अगर मैं इसके एप्लीकेशन के पैसे काट लूं तो लेस एडजस्टमेंट ऑन एप्लीकेशन, या फिर एडजस्टमेंट एप्लीकेशन अमाउंट 10 और, ठीक है चलो। अब एप्लीकेशन का अमाउंट कितना काट सकता हूं मैं इसका जी, इसको तो मिले 80,000, और इसके 3 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो इसके मैं मैक्सिमम काट सकता हूं 240, और बाकी का तो इसका बच गया एडवांस। एडवांस अगर देखा जाए तो क्या बच गया, 8,40,000 रुपए इसके एडवांस है, जो कि बहुत ह्यूज एडवांस है। मैं इससे ऐसे भी नहीं बोल सकता कि सारे पैसे आपके अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट पर इससे इतने मांगे ही नहीं जाएंगे। पहले ये 2 पॉइंट देखिए, किसी को डाउट है यहाँ पे, कैटेगरी 2, ये दूसरी कैटेगरी की, पहली कैटेगरी की तो समस्या ही नहीं है कैलकुलेशन की, कैटेगरी नंबर 2 की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, जहां पे ज्यादा और कम है ना, ऐसा ही। अब अगर मैं इनसे कॉल करता हूं, जा भाई अपने घर से क्या लिया, अलॉटमेंट का पैसा, मैंने बोला अलॉटमेंट अमाउंट लेके आ जाइए अपने घर से आप, तो वो बोलेगा ठीक है, मेरे को तो मिले कितने शेयर हैं, सिर्फ 80,000 शेयर मिले हैं मुझे, और 80,000 के हिसाब से देखा जाए तो सर 80,000 अगर मुझे शेयर मिले हैं और अलॉटमेंट मेरा 3 का बनता है, तो मैं अगेन 240 ही तो घर से मेरे से मंगवा सकते थे, जो कि ऑलरेडी मैंने एडवांस दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जी सर आपसे और मुझे लेने हैं कितने रुपए, 6 लाख रुपए, ये भी एडवांस बच गया। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या चल रहा है आपका, मतलब इतना पैसा दे दिया ना उसने कि उसका एडवांस अलॉटमेंट को भी एक्सीड कर गया। चलिए अब फर्स्ट कॉल को मांग लेंगे, बोलेंगे चलो अभी भी वापस नहीं करेंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन में आर्टिकल ने बोल रखा है कि किसी शेयर होल्डर का पैसा तब तक वापस मत करना जब तक आप मजबूर ना हो जाओ,
यानी एडजस्ट करते जाओ। तो अब मांग लेते हैं, चलो भाई आप लेके आना कॉल ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा अगर मैं आपसे मांगूंगा तो 80,000 शेयर है, और फर्स्ट कॉल कितने का है देखिए, 2 रुपये का, तो मैं गुणा में 2 करूंगा तो जी 1,60,000 रुपये। अब इसको काटने के बाद भी आपके पैसे बच रहे हैं जो कि क्या है हमारा 4,40,000। डेट क्या है हमारा, डेट तो अब बाद में देख लेंगे, यहाँ डेट लिखा हुआ है, वैसे ये भी एडवांस है। मैं देखो इसके अलॉटमेंट के पैसे भी काट रहा हूँ, फर्स्ट कॉल के पैसे काट रहा हूँ, तब भी इसके पैसे बच रहे हैं, इसने इतने पैसे एडवांस हमें दे रखे हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आगे चलें, तो आगे चलते हैं, तो आगे आप कॉल करते हैं फाइनल कॉल, कॉल ऑन फाइनल कॉल। तो अगर फाइनल कॉल पे पैसे मांगा जाए तो फिर से मैं मांगूंगा भाई 80,000 × 2, कितने आएंगे 1,60,000। अभी भी स्टिल इसके एडवांस कितने बच गए, 2,80,000 इसके एडवांस बच गए। अब जो ये शेयर होल्डर इस कैटेगरी में होगा, उससे मैंने एप्लीकेशन के भी काट लिए, अलॉटमेंट के भी काट लिए, आपके फर्स्ट कॉल के भी काट लिए, फाइनल कॉल के काट लिए, तब भी बच गए। तो अब मैं इसको ऐसा तो नहीं बोल सकता ना, मेरे पास राइट भी नहीं है बोलने का कि मैं अब आपके बचे हुए पैसे नहीं दूंगा। अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा मुझे, ये पैसा इसको रिफंड करना होगा, वापसी करना पड़ेगा। तो अगर मैं टू बैंक लिखूँ ना, तो बैंक के अंदर देखा जाए ना, तो 2,80,000 रुपये मुझे इसके वापस कर देने चाहिए। पहले तो ये देखिए, पहले 2,80,000 कैसे आया, हर किसी बच्चे को क्लियर होना चाहिए 2,80,000 कैसे लिखा हमने। साथ के साथ ये कैटेगरी वाला इतना मान के चलो कि ऐसा था जिसको कुछ मिला ही नहीं, इसके भी तो पैसे वापस करोगे, तो इस कैटेगरी वाले के कितने वापस करोगे, 1,20 × 3 के हिसाब से, इसने 3 के हिसाब से दिया होगा ना, तो 1,20 × 3 = 3,60। तो टोटल रिफंड की अगर मैं बात करूँ ना, तो 6,40,000 रुपये मुझे इनके वापसी करने पड़ेंगे। किसके वापसी करने पड़ेंगे, दोनों के, कैटेगरी नंबर 2 के भी और 3 के भी। 3 के तो सारे जितने दिए थे, कैटेगरी नंबर 2 के जितने हम उसके रख सकते थे, उसके बाद जो बच गया वो। तो आप ध्यान रखना, शेयर्स के पैसे ना ऐसा भी हो सकता है कि अलॉटमेंट से आगे भी एक्सीड हो, मैं ये बताना चाहता था इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन में यही बताया गया है। अब भाई जो जो इसके एडवांस है लिख देते हैं, मैं अलग अलग लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एडवांस ऑन अलॉटमेंट, एडवांस अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का कितना एडवांस है इसका जी, 2,40। इसके बाद कर देंगे टू कॉल्स इन एडवांस, या फर्स्ट कॉल एडवांस कर देता हूं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी मैं तो चाहता तो एक ही बार लिख देता कॉल्स इन एडवांस और सारा अमाउंट डाल देता, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। मैं फर्स्ट कॉल एडवांस, फर्स्ट कॉल एडवांस कितने गए जी, 1,60,000, ताकि आपको डिटेल पता चले, सिर्फ इसलिए। टू फाइनल कॉल एडवांस, अब कुछ बच्चों को ऐसे हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि ये समझ में नहीं आ रहा सर ये अमाउंट कहां से ले रहे हो। देखो ये वाला जो है एप्लीकेशन को छोड़ के, ये भी एडवांस ही है इसका, ये भी एडवांस ही है और ये भी एडवांस है, तो तीनों मैंने यहां पे लिख दिए अलग अलग टाइम के एडवांस। पहले देखिए इस एंट्री में किसी को कोई डाउट, हाँ अगर आपको समझ में आ जाता है, आप बुक में चेक करोगे, तो कई बार हम कॉल्स इन एडवांस लिख के और तीनों अमाउंट को जोड़ देते हैं और जो कि आता है, और एक ही बार लिख देते हैं कॉल्स इन एडवांस, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। और ऐसा मैंने क्यों लिखा, भी काम आएगा, इंटरेस्ट ऑन आपको कॉल्स इन एडवांस भी तो सिखाना है। अब अलॉटमेंट की बारी आएगी, है ना, अब अलॉटमेंट की बारी आएगी, तो अलॉटमेंट की बारी पे क्या करेंगे, पहले कॉल करेंगे शेयर, अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां पे देखा जाए तो अब 6,00,000 से इंटू में 3, 18,00,000, 18,00,000 से अब एंट्री होगी। अब जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे ना हम, तो एडवांस का पैसा नहीं आएगा, जो कि क्या है 18,00,000 माइनस में ये एडवांस 2,40,000, इसलिए मैंने अलग अलग किया ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, 2,40,00,000। तो 18,00,000 में से 2,40,000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15,60,000, और यहाँ पे एडवांस आ जाएगा हमारा, एडवांस ऑन अलॉटमेंट, और ये आ जाएगा हमारा 2,40,000, और 2 आ जाएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट। ये मैंने कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन किया, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर बोलता विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट, तो मैं तो सीधी एंट्री करने वाला था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और वो भी कितने अमाउंट से, 15,00,000
60,000, ये सारी बातें ना हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के अंदर डिस्कस कर रखी है। तो जो बच्चे नए जुड़ते हैं ना तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो वो पिछले 4-5 क्लासेस हैं उसको देख लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन कंसिस्टेंटली आपको देखना भी और साथ के साथ क्या करना है, नोटिंग भी करना है, तभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ देखने से कोई बात नहीं बनेगी। अब इसके बाद हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी चाहिए, तो क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन हमारा 6,00,000 से करेंगे और 6,00,000 गुणा में 2 यानी 12,00,000। और मेरे सारे पैसे बैंक में नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे जी सारे पैसे, क्योंकि 12,00,000 रुपए तो है इसमें से एडवांस, तो भाई फर्स्ट कॉल का एडवांस 61,60 नहीं आएंगे, तो 10,40,000 अकाउंट डेबिट, 10,40,000 एग्जाम में पूरे फॉर्मेट में करने हैं आपको। और यहां आ जाएगा हमारा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस आ गया जी, और ये आ गया हमारा 1,60,000 रुपये, और 2 आ जाएगा हमारा शेयर फर्स्ट कॉल, और ये आ गया हमारा 12,00,000 रुपये। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना। अगले पॉइंट पे चलें, अगले पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो किसकी कॉल करेंगे हम, शेयर फाइनल कॉल, तो क्या एंट्री करें हम, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन कितने से होगा बताइए, जवाब दीजिए, अगेन 12,00,000 रुपए यानी 2 × 6,12,00,000। और अगर मैं बात करता हूं अगली एंट्री की अगर मैं बात करूं तो इस साइड कर देता हूं मैं, अगली एंट्री में बैंक में फिर पेमेंट आना है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस और 2 शेयर फाइनल कॉल। अब देखिए मैंने कई जगह पे ना जो राइटिंग होनी चाहिए एक्चुअल में, मैं वो बातें भी आपको समझा देता हूँ। कई बार जैसे मैं करता रहता हूँ तो बच्चे भी इस तरीके से कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका नेगेटिविटी है। देखिए मेरी मिस्टेक क्या क्या है, मतलब प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। मिस्टेक सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूरे डिजिट लिखे 6,00,000 और 10,00,000, आपको भी 6-10 लिखना है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लिया, मेरे पास स्पेस नहीं था, 30,00,000 आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखना ये वर्ड, आपको पूरा लिखना पड़ेगा डिजिट। हाँ, आप जैसे 30,00,000 लिखते हैं ना तो इसके बीच में जैसे आपको डॉट लगाना होता है, ये अगर भूल भी जाए तो चलेगा। इसके बाद मैं अब बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एडवांस अलॉटमेंट, और एडजस्टमेंट करते टाइम पे मैंने क्या लिख दिया, एडवांस सिर्फ उसी से क्लोज करना है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एडवांस अलॉटमेंट, तो यहाँ पे जब आप इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हो तो एडवांस अलॉटमेंट पूरा लिखना है आपने एग्जाम में। ये भी एक मिस्टेक है, प्रेजेंटेशन मिस्टेक है। इसके बाद यहाँ लिखा है फर्स्ट कॉल एडवांस, और यहाँ लिखा मैंने कॉल्स इन एडवांस, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे, फर्स्ट कॉल एडवांस। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब कॉल्स इन एडवांस की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास रुपए आए ना, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे टोटल पैसा जो इसका आया था, इस व्यक्ति का, वो आया था 10,80,000 10,80,000 में से इसके कट गए कितने, 2,40,000। अगर इसके 10,80,000 में से 2,40,000 कट गए ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा इसने यहाँ से यहाँ तक का दिया था। ध्यान देना, एडवांस का एंट्री सिखा रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा पैसा इसका लेके कंपनी ट्रेवल कर, जो कंपनी लेके साथ में चलता है वो है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक के पैसे की एक्स्ट्रा की मैं बात करूँ तो आप ध्यान दीजिए, या फिर एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है, आप पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं पूरा एक लाइनर में मैं आपको इंटरेस्ट समझा दूंगा। मुझे बस ये वाली एंट्री चाहिए होगी, बाकी ये मैं मिटा दूंगा। हाँ जी, नहीं हम नहीं करेंगे ना इग्नोर, हम तो सीख रहे हैं, बुक में तो बोल दिया इग्नोर करना, लेकिन आगे फिर मुझे सिखाना ही है, इससे अच्छा मैं अभी सिखा दूं जब डेट गिवन है तो, ठीक है ना। तो फटाफट से एक बार इसको नोट करिए, अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं हम इसी क्वेश्चन को, हालांकि क्वेश्चन में डिमांड नहीं है, लेकिन वैसे भी मैं अपने एग्जाम्पल लिखता था, अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल मिल गया तो इसी में सारे पॉइंट्स मैं कवर करूंगा ताकि जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ पाए। सपोज क्वेश्चन सेम था और यहाँ बोला गया कैश बुक,
तो कैश बुक के अंदर क्या रहता है आपका, जो फॉर्मेट कैश बुक का है ना आपका अकाउंटिंग लेजर का, सेम वही फॉर्मेट रहेगा अकाउंटिंग लेजर का जैसे डेबिट क्रेडिट में हम बनाते हैं। और ये इसके अंदर डेट का आप कॉलम बनाना चाहो तो बना सकते हो, और कई बार नहीं बनाते तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर लिखा हमने कैश बुक, जनरली डेट का कॉलम नहीं बनाना होता, और ये लिखा मैंने पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें ना और क्या लिखना है, देखिए सबसे पहली एंट्री पे आइए, ये बैंक वाली एंट्री है ना, यहाँ पे बैंक लिखा है ना, इसको जनरल एंट्री के फॉर्मेट में जब बोले ना कैश बुक बनाने के लिए, तो यहाँ पे टू लिखना है शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन क्योंकि जब पैसा आएगा तो इधर आएगा और जब रिफंड करना होगा तो बाएं में, तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया, कितने आ गए हमारे पास 30 लाख। और ये जो जनरल एंट्री हमने यहाँ कराई, ये करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, समझे बात आप। जब कैश बुक बोला जाए बनाने को, तो जो बैंक वाली जनरल एंट्री है वो नहीं करना, उस एंट्री को हमें एक लेजर में पोस्टिंग करना है। सेम ऐसे देखा जाए आपका, तो यहाँ पे बैंक वाली एंट्री है, बैंक में जो पैसा आया किस नाम का आया, शेयर अलॉटमेंट का, तो यहाँ आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट और कितने पैसे आए बैंक में, 15,60,000, और ये एंट्री आपको नहीं करनी जनरल, समझ रहे हो बात को, गलत है फिर। हाँ, अब इसके बाद देखा जाए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल, फिर यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, और यहां पे अमाउंट आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल में 10,40,000। और कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पॉइंट में चलते हैं, चलो इसके अंदर ये वाला मैंने लिख लिया 10,40, तो एक्चुअल मीनिंग जब आप कैश बुक बना रहे हो तो ये जर्नल एंट्री भी आपको नहीं करना, क्योंकि आपने किस में पोस्टिंग कर दिया है, कैश बुक के अंदर। ये छोटी छोटी बातें हैं, बाकी सिंपल है। सेम यहाँ पे ये वाली जर्नल एंट्री नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे बताओ, टू सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल, जो भी हमारे पास है। और ये आ गया हमारे पास अगेन 10,40। अब एक एंट्री और है जिसके अंदर बैंक इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से तो बैंक इन्वॉल्व नहीं है लेकिन कुछ पार्ट जो कि ये है, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर अगर आपने बैंक की एंट्री करा है, तो ये पेमेंट करा हुआ है आपने बैंक से, कहाँ गया ये रहा 6,40, आपने क्या करा है बैंक से पेमेंट, तो बाय साइड में लिखेंगे, और बाय साइड में हम लिख देंगे क्या, शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये लिख देंगे, और ये लिखेंगे हम 6,40। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल, हालांकि जब बैंक वाली एंट्री होगी ना, तो इस एंट्री को हम दो पार्ट में ब्रेक करके करेंगे, ठीक है ना। दो पार्ट में ब्रेक करके ये करना होगा, आप अभी बस इतना सा समझो, आगे क्वेश्चन में आएगा कैश बुक। मैंने यहाँ इक्विटी शेयर लिख दिया, आपको लिखना है शेयर एप्लीकेशन, तो लिख दो अभी फिलहाल, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा अभी। आप सिर्फ देखिए आपसे क्या बोला गया, ओपन अ कैश बुक, तो कितनी एंट्री करी आपने जिसके अंदर बैंक इन्वॉल्व नहीं है, ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिट गया। तो एंट्री कितनी हो गई, एक तो ये, इस एंट्री को बाद में एलिबरेट करूंगा मैं, एक ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, और ये आ गया। जिसके पास बुक है ना, इससे पिछले वाले आप क्वेश्चन को देखिए, कैश बुक बना रखा है उसमें, जिसके पास बुक है इससे पिछले वाले, उसके अंदर आप एंट्री चेक करेंगे ना, तो बैंक वाली एंट्री आपको जर्नल में नहीं देखेगा, लेकिन आपको कैश बुक में सारी एंट्री वो नजर आएगी, समझ। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन में होमवर्क में दे ही रखा है, आप मैच कर सकते हैं। तो पहले देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका टोटलिंग कर लेते हैं, सिंपल टोटल हो जाएगा ना, कैसे, 30 लाख, 15,60,000, 10,40,000 और 10,40,000, टोटल आ गया हमारा 66,40,000 और 66,40,000, और बाय बैलेंस आ जाएगा हमारा CD, और इसमें 6,40,000 माइनस हो जाएगा, ये कितना आएगा, 60 लाख आएगा, ठीक है ना। ये हमारा कैश बुक, पहले कैश बुक में किसी का डाउट है तो बताइए मुझे, बताइए कोई कैश बुक में जो डाउट है बताइए, बात करते हैं। सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि यहाँ पे एरियर नहीं है, आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एरियर क्या दिखा आपको, कहीं भी नहीं है, यहाँ पे एडवांस ही चला। तो अगर हम ध्यान से देखें एडवांस, मैं एक लाइन बना लेता हूँ पूरे साल का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा पूरा साल है, और ये हमारा देखा जाए तो जनवरी से लेकर नवंबर तक का तो दे रखा है,
तो मैं जैन से स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा साल मान लेते हैं दिसंबर में ख़त्म हो रहा होगा, मान लेते हैं दिसंबर में हमारा फिनिश्ड हो रहा होगा। जैन के टाइम पे इस वाले कैटेगरी का तो कोई एडवांस है नहीं, सिर्फ इसी कैटेगरी का एडवांस है। जैन के बाद हमसे मांगा गया कब? मार्च में, ये भी लिख लेते हैं। मार्च के बाद मांगा गया हमसे जून में, जून के बाद हमसे मांगा गया नवंबर में, ठीक है। अल्टीमेटली देखा जाए तो यहां पे जो टोटल पैसा आया था इस कैटेगरी का, हमने कैलकुलेट किया था ना, 10,80,000, याद होगा आपको। इसमें से जो वापसी कर दिए तो वो माइनस ही कर दो, क्योंकि वापसी तो जनवरी में ही हो गया था, तो वो तो एडवांस रहा नहीं हमारे पास, जो वापसी हो गया था जो था 2,80,000। यानी फाइनली मैं अगर बात करूं ना, तो इसका मेरे पास 8 लाख रुपए थे। 8 लाख रुपए में से एप्लीकेशन पे इसके कितने कट गए होंगे? अगर इसको 80,000 शेयर मिला है तो एप्लीकेशन, पहले ये देखिए, पहले जो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है? इसने टोटल पैसे दिए थे कितने? 10,80,000, जिसमें से 280 तो वापसी कर दिए, तो इसके मेरे पास कितने पैसे रहे? 8 लाख। ये समझ में आया? अब 8 लाख में से एप्लीकेशन के अमाउंट के कितने पैसे कट गए? ये रिफंड है, तो एप्लीकेशन का अमाउंट 3 × 8 तो 240 कट गए थे। तो इसका मतलब मेरे पास जो एडवांस रहा ना, मैं इसको भी मिटा दूं क्या? इसको भी मिटा देते हैं, ऊपर ऊपर का 560। तो इसका मतलब यहां से जो पैसा एक्स्ट्रा मैं उसको दे के चल रहा था, वो चल रहा था 560 यहां तक। फिर मार्च में जैसे अलॉटमेंट का नंबर आया, इसके कुछ पैसे कट गए। मार्च में अलॉटमेंट के कितने पैसे कट गए इसके एडवांस के? 240। तो जैसे इसके 240 कटे होंगे, आप सोचिए 560 एडवांस लेके चल रहा है, कैरी कर रहा है, यहां पे आ गए, यहां पे 240 कट जाएंगे तो बचेंगे कितने? 320। यानी इसके बाद जो इसका एडवांस जाएगा ना, इसके बाद जो यहां से यहां तक एडवांस जाएगा, वो 560 नहीं जाएगा, 320 जाएगा। यानी यहां से यहां तक एडवांस रहेगा 3,20,000, समझे? अब जैसे ही हमने फर्स्ट कॉल का भी एडवांस कट गया, अब आ गया बारी फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल पे कितना एडवांस था हमारा? 60। तो अब 60,000 रुपये और माइनस कर दें, कहाँ पे? जैसे ही हम आ गए इस कॉल पे, हाँ 160, तो 160 बच गया। तो यहाँ से यहाँ तक एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो क्या जाएगा? 1,60,000। मैं दोबारा समझाऊंगा, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ से यहाँ तक एडवांस जो था, मैंने बहुत सारे पैसे दिए यहाँ पे, 10,80,000, बहुत सारे, जिसमें से 280 मैंने वापसी भी कर दिए उसके, तो मेरे पास बच गया 8 लाख। और जो आपने एप्लीकेशन के पैसे दिए, एप्लीकेशन को तो मैं काट लूँगा 240, तो आपके कितने बच गए? 560। मैंने बोले चलो भाई तुम्हारे 560 एडवांस है, तो 560 यहाँ से लेके यहाँ एडवांस, यानी कब से कब तक? जैन से लेके मार्च तक। तो अगर जैन से लेके मार्च तक है 5,60,000, तो इस पर इंटरेस्ट निकलना चाहिए। और क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो इंटरेस्ट हमेशा याद रखना है आपको, कॉल्स इन एडवांस पे हमेशा होता है 12%। कॉल्स इन एडवांस पे कितना होता है? 12%। तो 12% के लिए 12/100। अब मंथ काउंट करेंगे, कितने महीने इस्तेमाल हुए ये 5,60,000। अब मार्च देख लो क्वेश्चन में, 31 मार्च है, 1 मार्च है, नहीं 1 मार्च दे रखा है क्वेश्चन में, 1 मार्च है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च पूरा नहीं है, जनवरी पूरा, फेब पूरा और मार्च स्टार्टिंग ही है, तो 3 महीने तो हुए नहीं। क्वेश्चन में देखिए ए 1 मार्च लिखा है, तो यानी 2/ ये, तो ये हो गया पहले, ये देखिए। उसके बाद जैसे अलॉटमेंट पे गए तो अलॉटमेंट के पैसे कट गए होंगे, फिर और एक्स्ट्रा बचे होंगे, तो अलॉटमेंट के कितने पैसे कट गए होंगे? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये जो कटा था, ये कटा था एप्लीकेशन का पैसा, ये जो कटा, ये कटा अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का कट गया, क्योंकि अलॉटमेंट में तो पहुंच गए ना, तो अलॉटमेंट के कट गए, तो बचे कितने एडवांस? 320। तो यहाँ से यहाँ तक अलॉटमेंट के बाद जो मेरा कैरी हुआ है एडवांस, वो कितना कैरी हुआ है? 320। तो अब 320 पे भी मुझे ब्याज देना होगा, 320 × 12/100। अब ये कहता है मार्च से जून, जून क्या दे रखा है? 1 जून, और मार्च 1 मार्च ही था, तो मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून तो काउंट नहीं करेंगे, 3 महीने, तो 3/12। ये देखिए पहले, इसके बाद अब जैसे ही हमने अलॉटमेंट का पैसा दिया, देने की बारी किसकी आ गई? फर्स्ट कॉल की।
फर्स्ट कॉल पे जैसे ही पहुंचे यहाँ पे हमने पैसे इसको पेड कर दिया, तो अब जो एडवांस बच गया वो सिर्फ 160 बच गया फाइनल कॉल का, जो कि जून से चला नवंबर। नवंबर क्या था हमारा, नवंबर क्वेश्चन में दे रखा है एक, तो जून पूरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कितने महीने, 5 महीने। तो 160 पे जो ब्याज निकालेंगे ना वो निकालेंगे हम 12/100 और इंटू में 5/, तो अगर मैं टोटल इंटरेस्ट निकालता हूँ तो 560 का क्या आया, 12 / 12 × 2 11,200। इसका जी आ गया 11,200। इसकी बात करते हैं, 320 × 12% / 12 × 3 90। इसका आ गया हमारा 160 × 12% / 12 × 5 8,000। टोटल इंटरेस्ट क्या आ गया, 80,000 लिख दिया मैंने इसको। छियानवे सौ 8,000 28,000। पहले तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझिए तब जनरल एंट्री पाएंगे ना। जब तक आप इंटरेस्ट ही नहीं निकाल पाओगे तो जनरल एंट्री कैसे सीखोगे। तो पहले आप फटाफट से, हाँ जनरल एंट्री भी करेंगे ना, पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखिए फिर मैं जनरल एंट्री पे आऊँगा। हाँ सिंपल सी बात है, जनरल एंट्री हम जितनी भी कर रहे हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टर के, कंपनी के। तो कंपनी को कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब है कि आपने मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे रखे हैं, मैं कंपनी हूँ मान लो, तो मुझे आपको ब्याज देना है। तो जब मैं ब्याज दूंगा आपको तो मेरा बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब कैश बुक में भी ध्यान रखना, जब बैंक क्रेडिट होगा तो बैंक वाली एंट्री वहाँ जाएगा, लेकिन मैं अभी उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। बैंक क्या होगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। और मेरा इंटरेस्ट जो है मेरे लिए, मुझे देना पड़ेगा एडवांस पे, तो मेरे लिए इंटरेस्ट क्या होगा, एक्सपेंस, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जनरल एंट्री जो निकल के आएगी, हालांकि इसकी जनरल एंट्री ना अलग अलग होगा, एक जनरल एंट्री इस डेट पे करना पड़ेगा आपको, एक जनरल एंट्री इस डेट पे करना पड़ेगा और एक जनरल एंट्री इस डेट पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं एक ही जनरल एंट्री कर रहा हूँ जो कि हर डेट पे, क्योंकि जैसे जैसे आप पेमेंट करोगे वैसे ही तो इंटरेस्ट करोगे। पहला पेमेंट आप यहाँ पे कर दोगे एडवांस का। अगर क्वेश्चन बोलता है कि इकट्ठे आप 31 मार्च की एंट्री करिए बस इंटरेस्ट की, बीच में मत करिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक बार 28,800 से पेमेंट कर दूंगा। एंट्री क्या बनेगा हमारा, एंट्री होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। ये तो है पेमेंट करने की एंट्री, इंटरेस्ट की पेमेंट करी है। अमाउंट मैं यहां नहीं लिख रहा, चलो लिख देता हूं, मैं टोटल अमाउंट ही लिख देता हूं, 28, जगह नहीं है यहां लिख देते हैं 28,800 और यहां आ गया 28,800, ठीक है। ये एंट्री हो गया कॉल्स इन एडवांस का। अगर मान लो 31 मार्च का मैं मान रहा हूं, अगर मान लो कॉल्स इन एरियर होता, तो एरियर के केस में तो आपने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं आपसे पेमेंट लूंगा 10% के हिसाब से, तो उसमें बैंक डेबिट हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, ये एंट्री मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं कर रहा, मैंने इसके अंदर 31 मार्च, चलो फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर में 31/12 लिख लेता हूँ, ठीक, खुश, कोई दिक्कत, अब सब समस्या। आप एंट्री समझिए, एंट्री आना चाहिए आपको, एंट्री क्या है, कॉल्स इन एडवांस डेबिट और ये। इसके बाद एक एंट्री बुक वाले नहीं करते, आपको करना चाहिए, इस खर्चे को आप पीएनएल में भी ट्रांसफर करिए। तो जब पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे ना तो कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, कंपनी में बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगली एंट्री जो एक और करना चाहिए आपको वो करना पड़ेगा, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन, इसे मिटा देते हैं यहां से, टू ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। ये एंट्री आ जाएगा, अमाउंट सेम आ जाएगा, मैंने इधर का मिटाया ही नहीं, शायद आपने नोट ना किया हो इसलिए, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो समझ में आया आपको एंट्री, इसकी दो ही एंट्री है, डेट स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया रहेगा और डेट के हिसाब से करेंगे। बताइए कोई डाउट, क्लियर। तो आज हमने क्या क्या देखा आज की क्लास में, देखो आज की क्लास में, आज वाली क्लास में बेसिक्स 12th स्टैंडर्ड का सारा खत्म, अभी आगे भी है, फोर फीचर करेंगे। हमने क्या देख लिया, कैश बुक बनाना सीख लिया, कैश बुक के साथ साथ जब एडवांस बहुत आगे तक जाता है उसकी एंट्री भी हमने देख ली, और उसके साथ साथ हमने कॉल्स इन एडवांस के अब कैलकुलेशन सीख लिया। एरियर का भी सेम ही रहेगा,
बस वहाँ 10% रहेगा। और इसके साथ साथ हमने क्या देख लिया, आपका जर्नल एंट्री, साथ साथ मैंने देख लिया जर्नल एंट्री। फटाफट एक बार आप जर्नल एंट्री नोट कर लीजिए।